तो एक बार फिर भाई वो स्वागत से का फ्रेंडसी पॉन्ड में। और दोस्तों की जाए तो कुवैत T20 कवर करने जा दोस्तों। यहाँ पर केस बस आप CCC के बीच मैच हो लिया, तो इस वीडियो को आप ध्यान देखना, बात करें कौन से पे को आपको टीम ने कौन से पे को ड्रॉप करना है और कौन है क्या दोस्तों आज की इस मैच का बेस्ट कैप्टन चा वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अब देखो डिटेल्स की बात करें सुलेबिया की ग्राउंड कुवैत तो मैच होगा, और इस पिच की बात करेंगे कंडीशन का। देखो कंडीशन भाई ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब अभी रिसेंटली गेम्स आप देखो तो बैटिंग उतना अच्छा ऐसा नहीं हो रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, और ये विकेट बहुत अच्छा है भाई बैटिंग के लिए, इतना ये मतलब कहा जाए तो बेहतरीन विकेट है कि मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे आपको प्रेजेंट करूं। ठीक है, देखिए भाई यहां पर एक्सपेक्ट करना कि 60% बैटिंग को सपोर्ट मिलेगा और 40% दोस्तों यहां पर बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, इसके बेसिस पे टीम बनाना। देखो भाई जनरली जब सही से मैच होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि बैटर्स इतना फल्टी भाई बॉल्स को मारेंगे कि मैं बता नहीं सकता भाई, ऑलमोस्ट 70-80% चांस रहता है भाई कि बैटर्स यहां पर चलेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत फिक्सिंग वाली बू मेरे को आ रही है, वो चीज तो अलग बात है, बट देखो भाई जैसा पिच रहेगा मैं वैसा ही प्रेजेंट करूंगा। अब देखो भाई 130 लिख रखा है लेकिन बनने को यहां पर 180-190 बनने में टाइम नहीं लगता। 24 गेम्स में 14 बार बैटिंग फर्स्ट क्वाल टीम ने मैचेस विन किया और 10 बार चेस क्वाल टीम ने, अक्सर टीम्स यहां पर बैट फर्स्ट करना पसंद करती है। ठीक है, विकेट्स के मामले में देखो यहां पर 55 विकेट गिरे जिसमें 29 विकेट पेसर्स और 26 विकेट भाई स्पिनर के हाथ में लगे। तो सिंपल सा फंडा है कि पेसर्स को भी विकेट मिलेगा और स्पिनर्स को भी विकेट मिलेगा, तो दोनों को कंबाइंड करके टीम में रखना। और रीसेंट मैच एट वेन्यू की बात करें भाई तो स्कोर कार्ड आप देख सकते हो नीचे दोस्तों मेंशन किया, चेकआउट करना, सिर्फ एक विकेट गिरा और 140 रन चेस कर दिया 12 ओवर्स में। ये इस विकेट की पावर है भाई, जब सही बैटर्स अब बैटिंग करेंगे तो धागा खोल देंगे बॉल का। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने अभी तक दोस्तों टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो सिंपली आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा भाई वो सिंपली आपको ही मिलेगा, तो जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिटेल्स पे फोकस करते हैं। अब देखिए CCC की बात करें भाई तो यहां पर ये कुछ इस प्रकार से इनका गेम से रिफकास की बात करें तो सिर्फ एक मैच में इसका 51 का स्कोर है, बाकी हर गेम में बंदा फ्लॉप गया, 60 या 65 का सिलेक्शन है। अब आप ही बताओ कोई बंदा 10 मैच खेलता है 9 मैच फ्लॉप गया, 10वां मैच में अच्छा स्कोर किया, मतलब 9 मैच में 0-10 ऐसा स्कोर किया और 10वें मैच में 100 रन स्कोर किया, तो उस बंदे को आप ये नहीं बोल सकते कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो भाई, अच्छा करो भाई। सिंपल सा चॉइस है कि मैं बैक नहीं कर पाऊंगा इनको। बाकी इनकी बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं। अश्लंका दिलशान की बात करें तो 33-4-69-17-29-6 इसका गेम थोड़ा सही है भाई, अगर आप इसको टीम में अफोर्ड कर पाओ तो फॉर श्योर आप टीम में रख लेना। विकेट कीपर में मैं भी पिक करूंगा, और रिफकास और दिलशान दोनों साथ में ओपन आ रहे, पिछला मैच ओपन आए थे, अगर भाई सही में इस पोजिशन पे आज की इस मैच में भी आते हैं तो फॉर श्योर मैं दिलशान को प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू भाई यहां पर रिफकास। ठीक है, चिंथागा की बात करें भाई तो 2+0 41+0 5 फिर 75+0 7+0 देखिए भाई इनके पास वो कही जाए तो क्षमता है कि बैट से भी 80 रन स्कोर कर सकते हैं और बॉल से भी 3-4 विकेट ले सकते हैं, तो फॉर श्योर आप इनको टीम में रखना। देखो कोई एक प्लेयर मतलब फ्लॉप होता है एक आध मैच में तो ये मत सोचे कि वो प्लेयर खराब है इसलिए फ्लॉप हो गया, नहीं भाई देखो हर कोई हमेशा नहीं चल सकता, कभी ना कभी उसका भाई गेम सुधरता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप होता है, ये चीजें होती रहती है, लाइफ का भी देख लो भाई। बाकी नैनजीत की बात करें 12+0 4+0 1+0 7+1 2+1 इसका फॉर्म थोड़ा सा स्लाइटली बहुत डाउन सा चल रहा है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज कुछ बड़ा दिखाइए। और दिलशान की बात करें भाई लहरू दिलशान 31+1 फिर 1 विकेट 51+0 इंप्रेसिव है, टीम में रखना। तो यहां पर इतने सारे ऑप्शंस में देखो सबसे पहले इनको रखूंगा, फिर इनको पिक करूंगा, फिर इनको पिक करूंगा, फिर इनको पिक करूंगा, टोटल ये चारों के चार ऑप्शन हमारे टीम में रहेंगे। मानता हूं उनमें से कुछ प्लेयर रिस्की टाइप है, बट देखो यार जब प्लेयर सही लगे तो रिस्क लेने में झिझकिए मत। अगर देखो रिस्क ऐसे प्लेयर पे लो जो चल सकता है, ऐसे प्लेयर पे रिस्क ही मत लो जो चल ही नहीं सकता भाई। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे तो भाई यहां पर ये कुछ खास नहीं, फिर दोस्तों यहां पर ये भी कुछ खास नहीं रहेंगे। इंडिका मगरम की बात करें पिछला मैच 1 विकेट मिला, हालांकि पिछला मैच ये प्ले नहीं किए थे, अगर खेलेंगे तो फॉर श्योर पिक करेंगे। बाकी थोन कसीर की बात करें कुछ खास नहीं, हसन का भी कुछ खास नहीं। तो देखो यहां पर अगर ऑप्शंस आप ढूंढते हो तो इतने सारे प्लेयर हमें देखने को मिल रहे, बट इसमें से सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं भाई जिसको मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये हमारा गेम चेंज करेगा सिवाय इंडिका मगालम को, बाकी सारे के सारे यूजलेस ऑप्शन है, बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप टीम में लो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो केस इस टीम की मतलब बात की जाए तो अगर आप कंपैरिजन करते हो भाई दो टीम्स के बीच में तो मैं एक ही बात बोल पाऊंगा कि केस की टीम बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू CCC की टीम। ठीक है, राजीव की बात करें तो लगातार 3 मैच से फ्लॉप चल रहा, उससे पहले 103
65, 108। अब ऐसे प्लेयर को आप चांस जरूर देना चाहोगे, आप हटाना नहीं चाहोगे। रीजन है भाई कि इसने प्रूव किया है कि क्या कर सकता है, ठीक है। एंथ्रिस 14+0, 1+1, 22+2, 1+1, 17, फिर 84+2 इंप्रेसिव प्लेयर टीम में रखना। भसवार पिछला मैच 16+1, 25+2, 44+1, 39, 14+4, 8 अच्छा प्लेयर टीम में रखना। यू पटेल लास्ट मैच 2 रन का स्कोर किया। देखो पिछला मैच भाई सबने पिक किया था, क्यों लिया था, 52 का स्कोर क्या था, लोगों की आदत है, लोग क्या करते हैं, देखते हैं अरे पिछला मैच रन इसने रन बनाया, चलो मैच टीम में लेता हूं, और भाई फ्लॉप किया हमने टीम में, इसको बैक भी नहीं किया था, और वीडियो में क्लियरली बोला था नहीं चलेगा। रीजन भाई कि एक मैच देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते भाई कि वो प्लेयर आज करेगा नहीं करेगा, उसके पास गेम्स देखो क्या वो भाई अच्छा फ्लुएंटली करता है, वो चीज आप देखो, ये कुछ खास लगता नहीं। यासीन पटेल फॉर श्योर टीम में रखो, 23+1, 9+3, 4+1, फिर 52+1 इनका पूरा फॉर्म है। श्रीलंका सिल्वा बहुत कंसिस्टेंट दिख रहा, अभी के गेम से मैं देख रहा हूं भाई 45+1, 33, 33, 39। अब देखिए भाई मैं तो इनको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा टीम में, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप ग्रैंडली की टीम बना रहे हो, इस प्लेयर को टीम में लो। स्मॉली के व्यू से यासीन पटेल, वसवार, एंद्रिस, राजीव, भाई टोटल ये 4 प्लेयर है कि मैं स्मॉली की टीम में अपना ले पाऊंगा, बाकी ये भी ग्रैंडली में, ये भी ग्रैंडली में। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए उमर अहमद को पिक करना, देखिए भाई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, निमिष को पिक करूंगा, पी कुमार को पिक करूंगा, इसके अलावा दोस्तों रिदमिका को पिक करना, हालांकि पिछला मैच निमेश खेला नहीं है दोस्तों, यहां पर रिदमिका और ये परविंदर और उमेर को मैं रखूंगा टीम में। बाकी डिफरेंशियल में मिया हो गया, रिमेश हो गया, इन सबको ग्रैंडली में मतलब पिक करना। तो ये पूरा मतलब प्रॉपर डिटेल्स हुआ टीम पे दोस्तों, फोकस करते हैं। बात करें भाई आज के दोस्तों यहाँ पर बीट कीपर सेक्शन, देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको लाइक वाला बटन प्रेस करना, काफी ज्यादा मोटिवेशन यार मिलता है, तो कंजूसी मत करो। देखो ये चीजें भाई बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया मेरे भाई को नहीं लगता। देखो मैं टारगेट ये करता हूँ कि 100 लाइक्स का दोस्तों टारगेट रहेगा, जितने मेरे भाई मेरे बंधु देख रहे भाई बस लाइक पे अपना प्यार दिखा देना, क्योंकि देखो भाई टीम्स आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप उतना भाई कही जाए तो सपोर्ट नहीं दे पाते, वही चीज थोड़ा सा रहता है दोस्तों, क्योंकि दुनिया मतलब ही सही दोस्तों चलती है, आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाते हो तो हमें और भाई वर्क करने में मजा आता है। अब देखो भाई बहुत सारे लोग हैं जो प्राइम बेचते, रिगी पे आपको टीम देंगे, ये सारी चीजें करते, बट हम ये सब चीजों से हमेशा दूर रहते, आपको हमेशा फ्री में टीम देते। बस मेरा यही कहना रहता है कि भाई आप अपना प्यार दो, मैं अपना टीम दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई लेना देना भाई ये वो कुछ सोचने की बात नहीं, बस आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जरूर से जरूर आपको टीम मिलेगा, और हमेशा अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। और वो लाइक नहीं आता तो दिमाग थोड़ा और उलझ सा जाता है यार कि अरे क्या यार लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई टीम भी खराब बनती है वैसे उसमें, अगर आप मैं हैप्पी रहता हूं तो भाई और अच्छा टीम बनता, तो वही चीज भाई मेरे को हैप्पी रखोगे आप जरूर हैप्पी रहोगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। दिलशान को पिक करना, भसवार को पिक करना, दोनों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर पिक कीजिएगा। बाकी ये ग्रैंडलिंग में, ये ग्रैंडलिंग में हालांकि बहुत स्पेशल तो नहीं बट एक आध ग्रैंडलिंग की टीम में ले सकते हो। इधर से राजीव को पिक करना, इसके अलावा देखो आप रिफकास को ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि हर प्लेयर को आप टीम में नहीं ले पाओगे, इस प्लेयर को ग्रैंडलिंग में देखना अच्छा कर सकता है। इधर से एंद्रिस, यासीन पटेल, जीत हमारा ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उमेर और चिंथाका और परमिंदर कुमार, ये भी हमारे बड़े अच्छे ट्रम्प कार्ड है। तो इस गेम में 2 अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक किए, अगर ये चलेंगे तो सीधा गेम अपना चेंज कर देंगे, अल्ट्रा क्लीनशिप करेंगे। इधर से लहरुद्दीन शांत और बाकी निमेश को पिक करूंगा, 2 प्लेयर मैंने रखे, और दोनों को रखने का रीजन है कि भाई ये जब भी चलते अच्छे खासे अमाउंट पे पॉइंट्स देते, ठीक है। बाकी इनके अलावा हमें कोई खास स्पेशल ऑप्शन दिखता नहीं, कॉम्बिनेशन देखोगे तो 7-4 का लगेगा, थोड़ा सा रिस्की टीम तो है भाई क्योंकि केस की टीम को मैंने थोड़ा सा ज्यादा बैक किया, ठीक है। कैप्टन अपना भाई कही जाए तो मीत भसवार रहेगा, वाइस की बात करें तो अंदरान एंड्रिस के साथ चलूंगा, टीम प्रू की बात करते हैं। अब देखो भसवार क्या है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से हमेशा चलता है, एंड्रिस का फॉर्म थोड़ा सा लड़खड़ाया है, नहीं बॉलिंग से नहीं बैटिंग से चल पा रहा, बट ट्रस्ट कीजिए भाई ओपन आता है, 4 ओवर की बॉलिंग करता है तो अच्छा कर ही देगा। बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा, केस की टीम स्ट्रॉन्ग है, उनके बेसिस पे टीम बनाना, ग्रैंडली की टीम बनाओगे भसवार, ये यासीन, फिर चिंथाका रहेगा, फिर दोस्तों यहां पर कही जाए तो आप एक इनको रख सकते हो भाई, तो टोटल ये प्लेस रहेंगे जिनको आज की इस मैच में ग्रैंडली में कुछ ना कुछ बना सकते हो। बाकी मिलता हूं आपको दोस्तों टेलीग्राम पे फाइनल टीम के साथ।